यूट्यूब के चैनल में स्वागत है आपके लिए। हम लोग आज एक गाड़ी लेके आए, लेकिन ये गाड़ी एक्चुअल में रोड पे चलने नहीं है। ये कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और हमारे पास एक क्लाइंट आए थे और प्रोजेक्ट के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया था। एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट रेडी नहीं था, बिकॉज कुछ अलग काम था, गाड़ी के रिलेटेड था, लेकिन ये गाड़ी रोड पे चलने वाला प्रोजेक्ट नहीं था। मैं आपको डिटेल में सब बता देता हूँ। चलिए, आपने कुछ इसके छोटे मोटे वीडियो देखे रहेंगे इंस्टाग्राम पे, इसके जो वीडियो वायरल हुए थे। ये गाड़ी है जो कि इनको हम लोगों ने ये गाड़ी स्क्रैप में करके दी, और इस छोटा ऐसा गाड़ी को हम लोग मिनी ऑटो भी बोल सकते हो या मिनी थिएटर बोल सकते हो, ऐसा ही ये कुछ कॉन्सेप्ट है। ये गाड़ी हम लोग ने स्क्रैप में इनको 30,000 से 35,000 में इनको स्क्रैप में हमने करवा के दी, जो कि ओमिनी आती है, टैक्सी में यूज होती है या गुड्स एंड कैरियर्स में यूज होती है। इस गाड़ी को स्क्रैप देने के बाद इसका इंजन और इसका जो गियर बॉक्स था वो हमने उसको रिटर्न वही उस बंदे को दे दिया, और जिससे ली थी गाड़ी। ये गाड़ी हमारे यहाँ पे वर्कशॉप में हम लेके आए तो यही करेगी, जो आपको ये प्रोसेस देखने मिलेगी वीडियो खत्म होने के बाद। उसके बाद फिर ये गाड़ी लाने के बाद एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो गाड़ी थी हमें एक रेस्टोरेंट बोल सकते हो या एक ऑफिस के अंदर इसको हमें पार्क करना, एक ऑफिस या रेस्टोरेंट बोलो उसके अंदर हमको ये गाड़ी अंदर पार्क करना था, पार्क मतलब उसमें सेट करना था। तो ऐसा हुआ कि जब हम लोग गाड़ी लेके आए तो हमने सोचा कि ये गाड़ी को हम लोग काट के डिवाइड करके बीच में से हम लोग इसको अंदर सेट कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि इसका उनका जो ऑफिस का डोर था वो बहुत छोटा था, नॉर्मल डोर आता है, उससे तो ये गाड़ी नहीं जाती थी। तो हम लोग ने प्लान किया कि गाड़ी को बीच में से काट के, मिडल से काट के, इसको दो पार्टीशन डिवाइड करके फिर उनके ऑफिस के घर के विंडो को निकाल के उसके अंदर हमने इस गाड़ी को इंस्टॉल किया। उसके बाद ये करने के बाद उसको वापस अंदर हमने वेल्ड करके हमारे डेंटर से गाड़ी को जोड़ा, उसका टायर्स एंड और सब कुछ लगाया। इसके अंदर हम लोग स्कॉर्पियो की सीट आती है, उस सीट को हमने बना के सोफा बना के इसमें बिठाया, लाइटिंग की, उस डोर पैड के कुछ लेदर रैक किए और कुछ इंटीरियर ऑरेंज एंड ब्लैक में बनाया। उसके बाद गाड़ी को हमने बाहर से ऑरेंज कलर में पेंट किया विद ड्यूअल टोन ब्लैक कलर में। उसके बाद इसके अंदर एक बड़ा सा प्लाज्मा टीवी फिट किया, और उसके बाद वो जो आप बाद में गाड़ी देखिए अभी क्या लगने वाले। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको पार्ट पार्ट में अभी इस वीडियो में देखने मिलेगी, और फाइनल आपको कंप्लीट होने के बाद हम बात करते हैं ये गाड़ी कैसे बने। चलिए, taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as me. फ्रेंड्स, फाइनली आपने देखा ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने आपको गाड़ी के बारे में बताया कि एक मिनी थिएटर हम लोग ने इसमें बनाया हुआ है। अब मैं पूनम मैडम से जानते हैं, जिनका ये कॉन्सेप्ट था, ये जो हमारे पास लेके आई, वो आपको डिटेल में बताएंगे जो इन्होंने तीन प्रोजेक्ट मैं बोल सकता हूँ जो आपने बनाया है। Yes, true. जो कपल के लिए, फैमिली के लिए। तो हमारे सब्सक्राइबर के बताइए कि आप ये क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में। बेसिकली वी हैव थ्री स्क्रीन्स जिसमें हम आपको आपके लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक अच्छा सा मौका दे सकते हैं, हैसल फ्री, यू नो, सिटी में से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है आपको आपके लव वंस से, फैमिली, फ्रेंड्स, लव वंस, कपल्स, एनीबडी कैन कम हियर। सो वी हैव थ्री थीम्स। वन थीम इज पार्क एंड वॉच, जो विनय भाई ने बहुत अच्छे से किया हुआ है मॉडिफाई। सेकेंड वन इज सनी लव, विच इज अ एंटायर रोमांटिक थीम for the love birdies, I would say. And third we have is sand, beach theme. Beach exactly कैसे होता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि वो outdoor होता है, लेकिन इस बार हम लोग indoor लेके आए हैं, so that little sweet, you know, couple feeling भी आ जाए आपको, और अच्छे से आपका
बर्थडे एनिवर्सरीज किटीज कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हो. सो गाइज प्लीज डू कम विजिट अस एट डिजिटल डायरीज वडाला. थैंक यू. फ्रेंड्स अभी मैडम ने आपको पूरा डिटेल में बता दिया. मैं यहाँ का एड्रेस और यहाँ के जो फोटोज है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा. तो चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.